क्या आपका भी इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो किसी हैकर ने जो है वो हैक कर लिया, ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, तो आप ऐसे में इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे रिकवर करेंगे? नुमान भाई आपके पास है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैकर से जो है वो वापस ले सकते हैं, यानी कि हाउ टू रिकवर हैक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप ये सबको जानना चाहते हैं तो हाउ टू चैनल को देखते रहें। तो ऐसे में सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो है चेक योर ईमेल एड्रेस। जी हाँ, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो जाकर चेक करें। जैसे ही हैकर जो है वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक करेगा, ऐसे में सबसे पहले वो चीज़ जो करेगा वो करेगा आपका ईमेल एड्रेस चेंज करेगा, और उसके बाद पासवर्ड और नंबर हो सकता है वो ये तीनों चीज़ें चेंज कर दे। लेकिन आपको ईमेल एड्रेस पर जो है वो आपको एक मेल आ जाएगी, क्या वाकई में आप जो है नया ईमेल अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं या नया ईमेल अकाउंट जो है वो लगाना चाह रहे हैं इस ईमेल अकाउंट को हटा कर। तो ऐसे में आपने जो है सिंपली रिट्रीव करना है या अंडो कर देना है, ऐसे में वो नया ईमेल जो लगाने की कोशिश करेगा वो नहीं लगेगा और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हैक होने से बच जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास तरीका आता है वो है गेट सिक्योरिटी कोड, यानी कि आपने जो है किसी हैकर ने जो है वो ईमेल एड्रेस नंबर फोन नंबर यानी कि वो तमाम चीजें चेंज कर दी जिससे आप अपने इंस्टाग्राम को एक्सेस कर सकते थे, तो आप जो है सिक्योरिटी कोड फिर भी हासिल कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी कोड हासिल करने के लिए आपने करना क्या, आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, कंप्यूटर में ओपन करें या मोबाइल में ओपन करें। मेरे पास इस टाइम मोबाइल है तो मैं मोबाइल में जो है वो ओपन कर ले तो एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो है वो दो बॉक्सेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, यानी कि फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम और उसके पास पासवर्ड। लेकिन लॉगिन के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, फॉर गेट योर लॉगिन डिटेल। ऐसे में आपने जो है गेट हेल्प साइन इन, गेट हेल्प साइन इन पर जो है आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइंड योर अकाउंट, यानी कि जौन सा आपका अकाउंट है उसे आपने फाइंड करना है, वो ईमेल एड्रेस लगाना है। अगर आपका पुराने ईमेल पे यानी कि पुराने ईमेल आप एड्रेस लगाएंगे अगर उससे भी एक्सेस नहीं हो रहा, तो ऐसे में इंस्टाग्राम जिस नाम से बंदे ने नाम चेंज कर दिया है वो नाम आप जो है इधर सिंपली सर्च करेंगे। तो ऐसे में मेरे पास तो ईमेल एड्रेस है तो मैं सबसे पहले जो है ईमेल एड्रेस लगा देता हूं और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। ऐसे में वो अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, आपको यहां पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सेंड एन ईमेल और सेंड एन SMS। तो ऐसे में हो सकता है कि फ़ोन नंबर जो है वो भी चेंज हो चुका है, ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप ईमेल को और फ़ोन नंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं तो आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने सिक्योरिटी कोड मंगवाना है ईमेल के थ्रू या फ़ोन नंबर के थ्रू। तो ऐसे में जैसे ही वो सिक्योरिटी कोड आ जाएगा आपने यहाँ पर 6 डिजिट वाला जो है वो सिक्योरिटी कोड लगाना है और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस दूसरे तरीके से भी जो है वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे तो ऐसे में जो है तीसरा तरीका मैं बताऊंगा ना। तो ऐसे में आपने करना क्या, आपने इंस्टाग्राम को जो है वो रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए आपने करना क्या, वही दोबारा चीज़ें करनी है, आपने गेट हेल्प साइन इन में जाना है। गेट हेल्प साइन इन में जैसे ही जाएंगे उसके बाद आपने जो है फाइंड योर अकाउंट यानी कि जिससे एक्सेस हो रहा है या जो भी नाम है इंस्टाग्राम को उसे आपने जो है लिख के जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ वन ऑप्शन मिलेगा, नीड मोर हेल्प। आपने नीड मोर हेल्प पर जो है वो क्लिक कर देना। यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि आपने इंस्टाग्राम को जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन करने के लिए आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे और सबसे लास्ट में जो है सेकंड वन ऑप्शन होएगा, माय अकाउंट वाज हैक्ड। तो यहां पर आपने जो है वो क्लिक करके उसके बाद एड एनी डिटेल दैट विल हेल्प अस रिजोल्व दिस मोर क्विकली। तो ऐसे में आपने जो है अपनी रीजन लिख देनी है कि किस बंदे ने जो है वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया है, उसका नाम क्या है अभी इंस्टाग्राम अकाउंट का और वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जो है साइंड अप ईमेल, आप जिस ईमेल से साइन कर पा रहे हैं वो आपने यहां पर ईमेल एड्रेस देना है, और प्रेफर्ड ईमेल यानी कि आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं लेकिन वही ईमेल एड्रेस दें जिससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो था वो पहले बना था। तो ऐसे में आपने कंप्लेन कर देनी और ऐसे में जो है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आंसर आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है
वो है कि हमने अब इंस्टाग्राम को जो है वो तो रिपोर्ट कर दिया, अब हमें क्या फायदा होगा और कैसे हम जो है इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट जो है वो रिकवर करेगा। ऐसे में इंस्टाग्राम आपके ईमेल एड्रेस पर जो है वो एक यानी कि मेल भेजेगा, एक कोड भेजेगा। वो कोड को आपने करना क्या है, उस कोड को आपने अपनी तस्वीर के साथ, जी हाँ अपने फेस के साथ जो आपने इंस्टाग्राम पर फोटोज वगैरह लगाई थी वो अगर आपकी हैं, आप ही का अकाउंट है, तो आपने जो है वो जो मेल इंस्टाग्राम की तरफ से आएगी और जो वो कोड देंगे एक पेपर पर आपने राइट डाउन कर लेना है। हो सकता है आप उसकी प्रिंट आउट भी निकाल लें, प्रिंट कॉपी निकाल के उसके नीचे जो भी ईमेल एड्रेस आपका होगा, पुराना पासवर्ड होगा, वो उस पेपर पर लिख के आपने पेपर होल्ड करके, जी हाँ इस तरह जो है वो आपने पेपर जो है वो होल्ड करके आपने सिंपली उनको फोटो बनाकर सेंड कर देनी है उसी ईमेल एड्रेस पर। और उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड यानी कि नेशनल आईडी कार्ड होगा वो भी आपने सेंड कर देना है, आईडी कार्ड नहीं तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है वो भी आपने सेंड कर देना है। ऐसे में ईमेल आप जैसे ही उनको सेंड करेंगे अगर वो चीज़ सही होगी तो आपको जो है 24 आवर्स के अंदर जो है वो एक रिप्लाई आएगा, आप अब अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। वो ईमेल अगर आपको आ गया तो आपका अकाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक ठोको, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी ठोक सकते हो, यानी कि डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आपके कमेंट्स जो है वो काफी हैं। तो ऐसे में जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करना। तो उम्मीद करता है एक नई वीडियो में होगी मुलाकात, अब तक के लिए चाहता हूं आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस यू।